नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज के मुद्दे की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। एलएसी पर तनाव के बीच कल चुशूल में भारत और चीन के बीच सेना के कोर कमांडर स्तर की बैठक 12 घंटे से ज्यादा चली। ये बैठक मंगलवार यानी कि कल सुबह तकरीबन 11 बजे शुरू हुई थी, जो कि देर रात 11 बजे के बाद तक चलती रही। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत 22 जून और 6 जून को एलएसी के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई थी। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। इसमें दोनों पक्ष कई स्थानों पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे। भारत ने तब चीन से एलएसी पर 4 मई से पहले की अपनी सैन्य पोजीशन पर लौटने के लिए कहा था, और इसी के मद्देनजर चुशूल में 12 घंटे तक बैठक चली। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अरुण सिंह जुड़ गए हैं। अरुण, जरा तफसील से बताइए कि कल जो बैठक 12 घंटे तक चली, उसमें भारत की तरफ से चीन को क्या क्या बातें स्पष्ट तौर पर कही गई? देखिए नेहा, जो कल 12 घंटे से ज्यादा बैठक चली उसका आधार था 22 जून को 11 घंटे से ज्यादा चली बैठक, और उसी बैठक में दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये तय हुआ था कि डिसएंगेजमेंट होगा, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके कुछ दूर पहले हमारी पोस्ट है और उनकी तरफ कुछ दूर उनकी पोस्ट है। अब ये जो बीच का नो मैंस लैंड होता है उसमें कई जगहों पर चीन की सेना आगे की तरफ आई थी और कई जगहों पर हमारी सेना भी उनको रोकने के लिए आगे गई थी। तो डिसएंगेजमेंट का मतलब ये था कि हम अपनी सेना पीछे करेंगे, आप अपनी सेना पीछे करिए ताकि एलएसी पर तनाव कम हो। उसमें कोई रुख सकारात्मक दिखाया नहीं चीन ने। दूसरी बात यह थी कि भारत सरकार की तरफ से और भारत के जो प्रतिनिधि थे भारतीय सेना की तरफ से, खासतौर से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो सीमा पर आप इतना ज़बरदस्त जमावड़ा आपने किया हुआ है, हज़ारों की संख्या में सैनिक आपने वहाँ पर लगाए हैं, टैंक आपने लगा दी, तोपें वहाँ पर लगा दी, आर्टिलरी पूरी वहाँ पर है, इसके अलावा आप जो है जो लड़ाकू विमान है उनकी संख्या काफी है, तो इन सब का मतलब क्या है? आखिर सीमा पर तनाव घटाना है या तनाव बढ़ाना है? जो कुछ गलवान में हुआ उसके बाद यह तय हुआ था 22 जून को कि अब दोनों तरफ की नुकसान हुआ है, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी तरफ 40 से ज्यादा सैनिकों की हताहत होने की खबर है। तो अब आगे का ये रास्ता था, हिंदुस्तान ने एक तरह से साफ कर दिया है। जो 14वीं कोर है लेह में, उसके जो कमांडर हैं कोर कमांडर हरिंदर सिंह, उन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया था कि संबंध सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि एग्रेशन आपकी तरफ से दिखाया गया था, हमारी तरफ से नहीं। उसी पर लेकर के कल भी रात में लगभग 12 बजे तक बातचीत हुई, जो दिन में 11 बजे शुरू हुई थी। अभी क्या है उसका अरुण, आप ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के चीन के सामने ये बहुत ही स्पष्ट कर दिया भारत ने कि ये चीन की जिम्मेदारी है कि वो अपने सैनिकों को एलएसी से पीछे हटाए और पिछली बातों में जो भी सहमति बनी थी उसका सम्मान करे, उसको फॉलो करे चीन। हमारे साथ संदीप बोल भी मौजूद है दिल्ली से। संदीप, लेकिन जो बात अरुण कह रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं वही बात जो है वो भारत सरकार के मन में भी इस वक्त चल रही है चीन को लेकर, कि चीन आखिर सीमा पर चाहता क्या है? तनाव बढ़ाना चाहता है या तनाव घटाना चाहता है? देखिए, जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट चीन की तरफ से है वो तो साफ दिखा रहा है कि चीन जो है एक या दो या पाँच या महीने भर में जो है वो वहाँ से नहीं हटने वाला है। वो लंबी जो है विवाद के सिलसिले में ही जो है वहाँ पे इतने सैनिकों के साथ वहाँ पे मौजूद है। और बात रही जो कल की बैठक हुई, उसमें उसको बैठक को बुलाया ही भारत की तरफ से गया था क्योंकि 22 तारीख को जिस बात पर सहमति हुई थी वो ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही थी। ये तय किया गया था कि जो सिलसिलेवार जो है सेना की कमी की जाएगी, जो भी सीमा पर जो है लगातार तरीके से जो जमावड़ा जड़ा हुआ बना हुआ था, तो उसके बाद जो है ये था कि पहले 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे, फिर 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, इतने संख्या कम करेंगे, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे होता नज़र नहीं आया है। और ये मंशा बिल्कुल चीन की साफ है कि वो जो है जल्दी इस मसले को सुलझाने के पक्ष में नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पेंगोंग सो की बात करें, पेंगोंग सो में तो अभी भी विवाद जो है बना हुआ है। वहाँ जो है अभी भी चीन जो है 8 से 4 के बीच में, जब फिंगर 8 to 4 के बीच में, जहाँ अमूमन वो वहाँ पर टिका नहीं रहता है, अब वहीं पर ही आकर टिका हुआ है। भारत लगातार कह रहा है
रहा है कि वो अपनी स्थिति पे जाए, यानी कि फिंगर एट के दूसरी तरफ जाए, लेकिन चीन जो है वो नहीं हिलना चाह रहा है वहां से। उसने अपने जो डेवलपमेंट चालाकियों से बात नहीं आ रहा है, ये बात आप बता रहे हैं संदीप और अरुण, क्योंकि आप लद्दाख में मौजूद है इसलिए आप इस बात को और ज्यादा कोरोबरेट कर पाएंगे कि 10 दिनों में चीन ने पीछे हटना तो दूर की बात है, दो और मोर्चों पर नया विवाद पैदा करने की कोशिश की है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि आखिर चीन पर आप कैसे भरोसा करेंगे? देखिए नया, एक बात मैं बता दूं कि जिस डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है ना, चीन की पॉलिसी इंगेज करने की है, वो एक फ्रंट खोलता है जहां पर बातचीत शुरू होती है, फिर दूसरा फ्रंट कहीं ना कहीं खोल देता है वो। और जो संदीप कह रहे थे एकदम सही कह रहे थे, भारतीय खुफिया एजेंसियों को और मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस बात की सूचना 2 महीने पहले ही मिल गई थी कि जबरदस्त बिल्डअप करने जा रहा है चीन, वहां पर मोबिलाइजेशन जिस स्तर पर अपनी सेना का, अपनी आर्टिलरी का, लड़ाकू विमानों का, रसद का जिस पैमाने पर किया गया था, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये बड़ा कुछ करने जा रहा है। और यकीन मानिए कि जब से मैं यहाँ लद्दाख आया हूँ, जो हिंदुस्तान की तैयारी है, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है जब चीन जैसा पड़ोसी हो जिसकी बात का कोई मतलब नहीं है, जो कहता क्या है और करता क्या है मतलब कुछ और मकसद कुछ और, ऐसे पड़ोसी से निपटने के लिए आपको पूरी तैयारी रखनी होगी। और संदीप, हम सब जानते हैं और क्योंकि आप लोग तो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस वक्त जो चीन है वो कई मुद्दों पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मानवाधिकार के उल्लंघन में चीन के खिलाफ विश्व स्तर पर घेराबंदी हो रही है, वीगर मुसलमानों पर जुल्म के मामले में 29 देशों ने चीन में जांच टीम के दौरे की अपील की है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कुल 29 देशों ने यूएन मानवाधिकार परिषद में वीगर मुसलमानों का मामला उठाया है। चीन में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुत आम बात है और लंबे समय से ये विवाद का विषय बना हुआ है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, चीन की ये जो घेराबंदी 29 देशों ने मिलकर की है वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल सभी देश चाहते हैं कि चीन वीगर मुसलमानों पे जो अत्याचार करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, और चीन से आह्वान किया गया है कि वहां मानवाधिकार परिषद के जो चीफ है यानी प्रमुख है उनके दौरे की अनुमति दे। इसके अलावा हांगकांग में जिस तरह से बार बार नए कानून के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है उसे लेकर भी सवाल उठाया गया, और इसमें तमाम वो ताकतवर देश हैं जो जिनका असर पड़ेगा चीन पर आने वाले दिनों में। और कोरोना के बाद जिस तरह से चीन लगातार दुनिया के नज़रों में है और दुनिया लगातार नाराज़ है चीन से, और ऐसे में उइघर मुसलमानों पर अत्याचार और हांगकांग में जिस तरह से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है चीन की तरफ से, इन तमाम सवालों को लेकर इन देशों ने सवाल उठाया चीन पे और ये आह्वान किया कि अत्याचार को बंद करे और एक जांच टीम को जाने की अनुमति दे ताकि वहां जांच हो सके और जमीनी हकीकत का पता चल सके। ठीक है, आप सब हमारे साथ रहिए क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर चीन को ही लेकर आ रही है। देखिए, चीन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और ऐसे में भारत द्वारा 59 आर्म्स दान किए जाने के बाद चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर है कि अमेरिका ने चीन की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ZTE और Huawei को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिका में दूरसंचार के क्षेत्र पर नजर रखने वाली एजेंसी FCC यानी कि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने यह दावा किया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि ZTE और Huawei ने अमेरिका के नेटवर्क को खतरा पैदा किया है और आगे भी ये खतरा पैदा कर सकता है। चीन के बढ़ते विरोध के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने चीन में बने कृषि उपकरणों और मशीनों के खरीद पर रोक लगा दी है। हिमाचल के कृषि मंत्री रामलाल मारकंड ने इसके आदेश जारी किए। इसमें साफ कर दिया गया कि राज्य में किसानों को चीन के बने उपकरण नहीं दिए जाएंगे, तो किसानों को चीन में बने उपकरण नहीं मिलेंगे। इस तरह से एक के बाद एक चीन को कई झटके लग रहे हैं। नीरज, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगी, भारत सरकार की तरफ से तो दबाव था ही, अमेरिका की तरफ से भी चीन की जो 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन पर कई गंभीर आरोप और सवालिया निशान, और इसके साथ ही चीन के कृषि उपकरणों को हिमाचल प्रदेश में यूज़ करने की, इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। चीन की ये जो घेराबंदी हर तरफ से हो रही है, इसके क्या मायने?
देखिए बिल्कुल, चीन एक तरफ तो कोरोना के मसले पर लगातार तमाम देशों के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ एलएसी पर उसने एक नया फ्रंट खोल दिया है। और दक्षिणी चीन सागर में आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने हाल ही में द्विपक्षीय समझौता किया था और दक्षिणी चीन सागर में सहयोग बढ़ाने की बात की थी। अमेरिका विरोध में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस खुले तौर पर चीन के खिलाफ जांच की मांग कर चुके हैं। और यही नहीं, रूस ने भी मांग किया था कि कोरोना के मामले की जांच हो और कहां से उसका उद्गम हुआ। तो इन तमाम मसलों पे चीन घिरा हुआ है और इसीलिए चीन को लेकर किसी भी तरह के अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो तमाम देश ये ध्यान रखते हैं, फूक फूक कर कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ अरुण भी हैं, मेरे साथ संदीप भी हैं। उनके पास जाने से पहले हम आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे अमेरिका को भी ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन से बेहद गुस्से में हैं। लोग इसे देख सकते हैं लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूं। संवाददाता संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लोगों को भले ही गुस्सा चीन को लेकर दिखाई दे रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त लहजा अपनाते हुए और वो ये कह रहे हैं कि कोरोना काल से लेकर अब तक चीन से सिर्फ धोखा ही धोखा मिला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है चीन पर आरोप लगा रहे हैं, एक हमलावर रवैया अपनाया हुआ है, उसकी पीछे की वजह भी है। उसकी वजह यह है कि जब चीन में इस कोरोना का मामला सामने आया था तो कोरोना के मामले को जो है चीन ने छिपाया, उसको पता था कि इस तरीके की स्थितियाँ बन रही है, उसको जो है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने नहीं जाहिर किया। और दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के होने के जो जो वहाँ पे जो है हालात, जो आपस में टकराव की जो बात चल रही है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी में हम लोग बात करें, चाहे वो हांगकांग की बात हो, लगातार जो है अमेरिका दबाव बनाने में लगा हुआ है। और कोरोना को लेकर जिस तरीके से नाराजगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस वक्त कोरोना का और असर जो है वो सिर्फ अमेरिका में दिखाई दे रहा है, और इसके लिए सीधे तौर पर जो है चीन को दोषारोपण किया जा रहा है। हालांकि चीन से ये बात कही गई थी, दबाव डाला गया था कि आप जो है कहीं ना कहीं एक बार जो है इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करें, पहले जो है मना कर दिया गया था चीन की तरफ, लेकिन दबाव के चलते हुआ। अब ये साफ तलखी नजर आ रही है कि जो गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना को लेकर, उनके अंदरूनी हालात जो देश के, संदीप ऐसे में अगला सवाल जो सबके मन में आता है वो कहीं ना कहीं ये है, और अरुण मैं आपसे इस पर संक्षेप में छोटा रिएक्शन चाहूंगी कि क्या भारत इस वक्त चीन से जिस तरह से बात कर रहा है, अमेरिका का नाराज होना, इसके अलावा चीन के लिए और तमाम झटके, क्या ये कहीं ना कहीं भारत को भी चीन के ऊपर एक अपर हैंड देता है, एक तरह का एक एडवांटेज देता है? देखिए, भारत का अपर हैंड इसलिए भी है क्योंकि साउथ चाइना सी की अगर आप बात करिए तो चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका, सबका समर्थन हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान ये कहता है कि अनधिकृत रूप से टापू बना रहा है वहां पर साउथ चाइना सी की, जो को उसको जमीन में तब्दील करके उस पर अपना कब्जा कर रहा है चीन। आप हाल ही में देखिए, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान एक साथ बात कर रहे हैं, जापान और भारत की सेना एक साथ युद्धाभ्यास कर रही है। इसके अलावा वर्ल्ड फोरम पर भी ट्रेड एग्रीमेंट अगर देखिए तो अमेरिका और चीन के बीच नहीं हो पा रहा है। पहले से ही कोरोना की वजह से जो दुनिया के आर्थिक शक्तियां हैं वो चीन से दूर जा रही हैं, चीन की अर्थव्यवस्था पहले से लड़खड़ाई हुई है, हिंदुस्तान उसके प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहा है, बड़ा बाजार हिंदुस्तान है। ऐसे में अगर अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सारे देश मिलकर एक मोर्चा बनाते हैं तो कितना भी ताकतवर हो चीन, मुश्किल उसकी बढ़नी तय है। और चारों तरफ से इस वक्त घिरा हुआ चीन दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से चारों तरफ से चीन घिरा हुआ नजर आ रहा है। और चीन को भी कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह की पैंतरेबाजी चीन कर रहा है, उसके जो असली इरादे हैं वो भारत ही नहीं दुनिया के बाकी देशों को भी समझ आ रहे हैं। अरुण और संदीप चीन पर हमारे साथ लगातार बने हुए थे, नीरज भी दिल्ली से हमारे साथ हैं। इस बीच नेपाल से भी एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है, जिस पर आज नेपाल कैबिनेट ने एक आपात बैठक बुलाई है। खबर है कि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ही उनके इस्तीफे की मांग की गई है। खबर तो ये भी आ रही है कि पीएम ओली ने चीन के राजदूत से इस पर चर्चा भी की, लेकिन सूत्रों का दावा है कि चीन भी उनकी मदद करने में नाकाम रहा है। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, क्या ये कहा जा सकता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री
केपी शर्मा ओली को भारत को निशाने पर लेना, भारत को साजिश के लिए जिम्मेदार बताना, ये कहीं ना कहीं अब उन्हीं पर भारी पड़ा है जहां पर उनकी अपनी पार्टी उनसे इस्तीफा मांग रही है। देखिए, केपी शर्मा ओली पे लगातार इस्तीफे का दबाव है, लेकिन इस वक्त भी नेपाल कैबिनेट की बैठक चल रही है और आज सुबह ही केपी शर्मा ओली ने यह बैठक बुलाई। और सबसे खास बात यह है कि बैठक में सबसे पहले उन कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया जो केपी शर्मा ओली के समर्थक माने जाते हैं, बाकी दूसरे धड़े के जो लोग हैं उनको बाद में बुलाया गया। प्रचंड बार बार कह चुके हैं, जो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी यानी सह अध्यक्ष हैं केपी शर्मा ओली के साथ, वो लगातार ये मांग कर चुके हैं कि केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दें। और भारत विरोधी बयान की जहाँ तक बात है तो ये भी कहा गया है केपी शर्मा ओली से कि भारत विरोधी बयान जो दिया है उसको या तो सिद्ध करें या तो अपने पद से इस्तीफा दें। चीनी राजदूत की कोशिश जो है वो नाकाम रही है, क्योंकि उन्होंने भी साफ हाथ खड़े कर दिए हैं कि या तो इस्तीफा दे क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं बचता है। शुक्रिया शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मुश्किलें भी बढ़ती हुई। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देर रात से ही सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि वहां 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। तो पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है, ये जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक नागरिक की भी गोली लगने से मौत हो गई। सोपोर में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बल के ये जवान गश्त कर रहे थे तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने भी आतंकियों पर जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। फायरिंग में एक नागरिक की भी मौत हुई है। सोपोर से खबर आ रही है जहां आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की है। दोनों ही तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता रिफत जुड़ गए हैं। रिफत, सोपोर में इस वक्त किस तरह के हालात हैं? देखिए नेहा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो शूट आउट हुआ वहाँ पे, चूंकि अटैक किया मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की पार्टी पे जो वहाँ पे तैनात थी, इस वक्त कोई फायरिंग नहीं हो रही है, बल्कि जो हमला किया मिलिटेंटों ने उसमें सीआरपीएफ के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उसमें से एक जो है वो जख्म की ताब न लाकर चल बसा है, यानी स्कम कर गया है। और साथ ही वहाँ से एक सिविलियन गुजर रहा था, उसके साथ में एक बच्चा भी था, उसको गोली लगी है और उसको ऑन स्पॉट ही जो है उसकी डेथ हुई है। लेकिन जो बच्चा था वो उसके साथ में था, और जिस तरीके से आप पिक्चर्स आ रही हैं, काफ़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स आ रही हैं कि वो बच्चा लाश के साथ में दिख रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ पे अटैक किया, हमला किया, उसके बाद वो भाग निकले एरिया को लेकिन फिलहाल खबर यही है कि जो ये अटैक हुआ था इसमें 4 सीआरपीएफ के लोग घायल हो गए थे, उसमें से एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो जख्म की ताब न लगाकर चल पा, साथ ही एक सिविलियन जो है जिसकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है उसकी भी गोली लगने से मौत हुई है। लेकिन जो उसके साथ में बच्चा था उसको पुलिस ने अपने साथ में ले लिया और उसको घर वालों के हवाले किया जा रहा है। तो काफी डिस्टर्बिंग पिक्चर उस बच्चे की भी आई जो अपने या तो दादा है उसके या कोई रिश्तेदार है उसकी लाश के साथ उसके पिक्चर देखे गए। तो आपको मालूम है कि बिजवारा में अटैक हुआ था मिलिटेंट का, उसमें उस अटैक में सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो मारा गया था और साथ ही वहां पे भी एक छोटे बच्चे की वहां पे मौत हुई थी, वो भी काफी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स आ गई थी। यहाँ तो रिफत आप सोपोर का बता रहे हैं कि सोपोर में एक जवान शहीद हुआ है। पुलवामा की अगर बात करें तो वहां किस तरह की स्थिति है, क्या वहां पर अब भी मुठभेड़ चल रही है? देखिये यहाँ वहाँ पे मुठभेड़ तो नहीं चल रही है लेकिन लगातार ऑपरेशन जारी है, क्योंकि रात के दौरान जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था 11 बजे के करीब जो इनिशियल फायरिंग हुई, मिलिटेंटों ने फायरिंग की, रिटेलिएट किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस सीआरपीएफ और आर्मी ने, लेकिन उसके बाद जो है फायरिंग का सिलसिला रुका रहा, रात भर कॉर्डन एक्सटेंड किया गया। अभी तकरीबन समझा जा रहा है कि जिस लोकेशन पे मिलिटेंट थे वो शायद उस लोकेशन से निकल के दूसरी लोकेशन पे गए हैं, लेकिन पूरे एरिया का मुहासरा किया गया है और वहां पे आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। अभी हालांकि फायरिंग नहीं हो रही है लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है कल से। शुक्रिया शुक्रिया रिफत आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से। यहाँ केरी इलाके में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। आज सुबह आतंकी एलओसी के 400 मीटर अंदर घुस आए और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी हमले में एक आतंकी को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 और मैगजीन बरामद की गई है।
वहीं इलाके में तलाशी अभियान जारी है। संवाददाता पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एलओसी पर आतंकियों ने फायरिंग की और अभी की ताजा स्थिति में किस तरह से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, एक घुसपैठ की बड़ी कोशिश थी आतंकियों की। लगभग 4 से 5 आतंकियों का दल था जो रजौरी के केरी सेक्टर में एलओसी के पास सेना के जवानों के साथ सुबह जब मुठभेड़ हुई, लगभग 400 मीटर के करीब ये आतंकी पहुंच चुके थे और वहां पर दोनों तरफ से जब फायरिंग हुई तो एक आतंकी घुसपैठियों को वहीं पर मार गिराया गया, जबकि बाकी के जो आतंकी थे वो अंधेरे का लाभ उठाकर वापस भागने पर मजबूर हुए। मारे गए आतंकी जो घुसपैठिया था उसे हथियार भी बरामद हुए हैं और पूरे इलाके में एक व्यापक तत्पर सेना की ओर से एलओसी पर शुरू किया गया। जी शुक्रिया आपका। तो राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। वहीं सोपोर में सीआरपीएफ जवानों का एक बच्चे को बचाने की तस्वीरों के सामने आने की बात आई है। आतंकियों की फायरिंग के बीच सीआरपीएफ के जवानों ने 3 साल के इस बच्चे को रेस्क्यू किया और फायरिंग वाली जगह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बच्चे के रेस्क्यू की तस्वीरें ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सीआरपीएफ जवानों ने किस तरह से 3 साल के बच्चे को बचाया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मासूम बच्चा जिसको सीआरपीएफ जवानों ने रेस्क्यू किया। बढ़ते हैं आगे। ऑल इंडिया एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन पर निशाना साधा है। उन्होंने संबोधन में चीन के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलने पर पीएम पर तंज कसा, साथ ही केंद्र सरकार के लॉकडाउन लगाने के फैसलों पर भी सवाल उठाए। यही नहीं, ओवैसी ने पीएम के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने आने वाले कई त्योहारों का जिक्र करते हुए गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ाने का ऐलान किया। ओवैसी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। ये भी जरूरी था क्योंकि आपके बिना योजना के लॉकडाउन ने कई काम करने वालों का खाना छीन लिया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आपने कई त्योहारों का नाम लिया लेकिन बकरीद को भूल गए। चलिए फिर भी आपको पहले ही ईद मुबारक। इतना ही नहीं, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी के संबोधन पर निशाना साधा और लिखा, साउथ इंडिया वो कहाँ है, बीजेपी के लिए सिर्फ हिंदू हिंदू ही मायने रखता है, यानी कि उत्तर भारत। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में एक अस्पताल में हुए भीषण धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। ये धमाका वहां एक टैंक में गैस के लीक होने की वजह से हुआ। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त इमारत के आसपास भी लोगों की भारी भीड़ थी। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज़ को काफ़ी दूर तक सुना गया जबकि धमाके के बाद इमारत से उठती आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। धमाके के बाद वहाँ दमकल विभाग की कई गाड़ियां इस आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गईं, जबकि घायलों को निकालने के लिए पुलिस ने इमारत के आसपास के सभी रास्तों को बंद कर दिया और इसके बाद 10 से ज्यादा एम्बुलेंस में इन घायलों को अस्पताल भेजा गया। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। तेजी से फैली इस आग ने सब्जी मंडी की 20 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की जानकारी मिलते ही 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में लग गई। बताया जा रहा है कि सब्जी मंडी में लगी इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है लेकिन यह आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जरा अंदाजा लगाइए कि उज्जैन की सब्जी मंडी में लगी ये जो आग है ये कितनी भीषण रही होगी। सब्जी मंडी में लगी आग और इस आग से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि ये आग कैसे लगी इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं लेकिन इस आग के लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मुंबई में एक कमर्शियल इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लग गई जिसे काफी देर के मशक्कत के बाद बुझाया गया। इमारत में बनी खिड़की से आग साफ फैलती नजर आई और साथ ही कुछ ही देर में चारों तरफ काला धुआं भी फैलता दिखा। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। तो मुंबई की कमर्शियल इमारत में आग लगी, गनीमत यह है कि वक्त रहते हुए इस आग पर काबू पा लिया गया और किसी के घायल होने की भी कोई खबर नहीं आई। हालांकि खिड़कियों से काला धुआं उठता हुआ साफ नजर आया।
आज अनलॉक टू शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार रात ही अनलॉक टू के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, जो आज से लागू कर दिए गए हैं। अनलॉक टू के लिए जारी दिशा निर्देश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ चर्चा के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक जारी है। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक है, लेकिन जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। सरकार ने अनलॉक टू के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश रात 10 से सुबह 5 बजे तक जारी रहने की बात की है। रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में पहले की ही तरह सख्ती भी जारी रहेगी। नाइट शिफ्ट वालों को कर्फ्यू में छूट दी गई है। 15 जुलाई से सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। अनलॉक टू में छूट के संदर्भ में ही रात के कर्फ्यू में 1 घंटे की छूट भी दी गई है। इसके साथ ही आज से जो नियम लागू हो रहे हैं उनमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुंबई के पास ठाणे जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई इलाकों में कल से 11 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ठाणे शहर, कल्याण, डोंबिवली में कल से 12 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी। मीरा भाईंदर में आज शाम 5 बजे से 10 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन लागू होगा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मुंबई के पास ठाणे जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई इलाकों में कल से 11 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ठाणे शहर, कल्याण, डोंबिवली में कल से 12 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी। मीरा भाईंदर में आज शाम 5 बजे से 10 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन लागू होगा और पुलिस और प्रशासन को इसमें सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। ट्रांसमिशन की जो चेन है उसको तोड़ना ज़रूरी हो गया था। उसके लिए हमने 2-3 दिन लगातार प्लानिंग करके एक लॉकडाउन अभी आज हमने घोषित किया है। 2 तारीख सुबह से लॉकडाउन शुरू होगा। लॉकडाउन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़े दिन के लिए रुक जाएं, जिससे ट्रांसमिशन की जो ये चेन है ये तोड़ने में हमें मदद हो। इस लॉकडाउन के दरमियान हमारी महानगर पालिका की टीम्स ये घरों घर जाके सर्वेलेंस करेंगी, टेस्टिंग करेंगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, ये बताइए कि कल से जो लॉकडाउन शुरू हो रहा है इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? नेहा, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मामले कोरोना वायरस के महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते आ रहे हैं, अब इसकी जो संख्या है वो मुंबई के जो आउटस्कर्ट है यानी कि थाने पनवेल, कल्याण, डोंबिवली, मीरा रोड, नवी मुंबई, ये कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। यही वजह है कि अब वहाँ की जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने अब ये बड़ा फैसला लिया हुआ है कि वो अब 10 दिन के पूरी तरह से लॉकडाउन करेंगे। आपको बताना चाहेंगे पूरी तरह से लॉकडाउन मतलब जिस तरीके से पहला जो लॉकडाउन बन था उसी तरीके से सारे सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। यानी कि सारे विवेक आप बता रहे हैं कि जैसे पहले लॉकडाउन में सख्ती थी, कुछ इसी तरह की सख्ती कल से 10 दिनों के लिए होगी मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बड़े पैमाने पर बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने हर जिले के डीएम को आदेश दिया है कि रोजाना अपने जिले में 2000 एंटीजन टेस्ट का लक्ष्य रखें। अभी दिल्ली में हर जिले में करीब 1000 एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। यही नहीं, एंटीजन टेस्ट के सेंटर भी 193 से बढ़ाकर 250 करने के निर्देश दिए गए हैं। ये नए टेस्ट सेंटर कंटेनमेंट जोन के पास खोलने के लिए कहा गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से एंटीजन टेस्ट का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभी तक रैपिड एंटीजन टेस्ट केवल कंटेनमेंट जोन में हो रहे थे, लेकिन ICMR के दिशा निर्देश के मुताबिक अब सभी कंटेनमेंट जोन, केंद्र और राज्य सरकार के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में NABH की मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में और ICMR की अधिकृत प्राइवेट कोरोना टेस्टिंग लैब में भी एंटीजन टेस्टिंग करने के निर्देश
दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे और रोज हो रही मौत के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। मुंबई के पास ठाणे में एक 103 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात दे दी और ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 1917 में जन्मे सुखा सिंह छाबड़ा नाम के इन बुजुर्ग को तबीयत खराब होने के बाद 2 जून को ठाणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें आईसीयू में रखा गया था, लेकिन देखिए 14 दिन के बाद उनकी सेहत में सुधार आने लगा और 24 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद ये बुजुर्ग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और जब इनको अस्पताल से छुट्टी दी गई तो कुछ इस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें विदाई दी। 103 साल की उम्र में कोरोना को मात देने वाले सुखा सिंह छाबड़ा जब अस्पताल से जाने लगे तो वहां के कर्मचारियों ने ताली बजाकर खुशी जताई। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां इस साल कोरोना की वजह से लालबाग के राजा की स्थापना नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते असर की वजह से लालबाग के राजा गणपति मंडल ने इस बार मूर्ति की स्थापना नहीं करने का फैसला किया है। साल 1934 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि लालबाग के राजा की स्थापना नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ी खबर है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 1934 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि लालबाग का राजा यानी कि लालबाग के जो राजा हैं उनकी स्थापना गणपति उत्सव के वक्त नहीं होगी। लालबाग के राजा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना ये साल में नहीं करेंगे, देश के हित में निर्णय होगा। मराठी उक्ति के हिसाब देश हा देव से माजा, इस उक्ति के हिसाब हम लोग काम करेंगे। मगर सन्मान्य महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने भी आह्वान किया है कि गणेश उत्सव मुझे चुपचाप नहीं होना चाहिए, मगर हम लोग ये गणेश उत्सव आरोग्य उत्सव करके 11 दिन में मनाने वाले हैं। उसमें 10 दिन में मुंबई में जो भी शासकीय निम शासकीय अस्पताल है उसमें जितना भी ब्लड कम रहेगा, तो हम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं 10 दिन में, तो वो करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के विस्कॉन्सिन शहर में भालू के मुंह में फंसे प्लास्टिक के डिब्बे को निकालने का एक वीडियो वायरल हो गया। वहां झील में एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ घूमने गए थे और इसी दौरान नाव से जाते समय उन्होंने भालू को झील में तैरते देखा, जिसके मुंह में एक प्लास्टिक का डिब्बा फंसा हुआ था। इस दौरान भालू को सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही थी। भालू को मुश्किल में देखकर आदमी ने भालू के मुंह से डिब्बा निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे भालू डर गया और पहली कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद आदमी ने दोबारा कोशिश की और इस बार वो भालू के मुंह से डिब्बा निकालने में कामयाब हो गया। इसके बाद वो भालू झील को पार करता हुआ जंगल में चला गया। टिड्डियों का हमला अब भी कई इलाकों में साफ देखा जा रहा है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और राजस्थान के करौली में टिड्डियों ने हमला किया, जबकि जैसलमेर में टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया गया। वहीं दिल्ली में हेलीकॉप्टर से केमिकल का छिड़काव का परीक्षण किया गया। उधर टिड्डियों का दल भारत से नेपाल पहुंच गया है, जहां काठमांडू में रिहायशी इलाकों में लोगों ने थालियां बजाकर और शोर मचाकर टिड्डियों को भगाया। उधर टिड्डियों के हमले को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक के छिड़काव का परीक्षण किया। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया। बताया गया कि कृषि मंत्रालय ने मई 2020 में ब्रिटेन की एक कंपनी के साथ करार किया था। इसमें MI-17 हेलीकॉप्टर में 800 लीटर के सिलेंडर लगाए गए, जिसके जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। इस प्रणाली के तहत 40 मिनट में 750 हेक्टेयर इलाके पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना ने किस तरह से परीक्षण किया है हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव। टिड्डियों से बचाव के लिए ये छिड़काव किया जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,85,493 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 18,653 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 507 लोगों की मौत हुई है, जबकि देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 17,400 हो गया है।
वहीं कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में पहुंचे पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की इलाके के लोगों से झड़प हो गई। दिलीप घोष ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा कर्मियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। इस झड़प में बीजेपी नेता दिलीप घोष की कार का एक शीशा भी टूट गया। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि मॉर्निंग वॉक के बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीने बैठे थे, लेकिन इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी।